उत्तराखंड के सितारगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। दरअसल मृतक महिला के पिता ने थाना शक्ति फार्म में तहरीर पुलिस को सौंपते हुए आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष द्वारा उसकी पुत्री को जहर देकर मार दिया गया है। मृतक महिला के पिता ने तहरीर में लिखा है कि उसकी पुत्री शर्मिला कल शाम ही उसके पास से सही सलामत अपने ससुराल पहुंची थी और सुबह उसकी मौत हो गई। वहीं उनका यह भी कहना है कि उसके ससुराल वाले छोटी छोटी बातों को लेकर उसे प्रताड़ित किया करते थे। हालांकि पुलिस ने महिला के पिता के तहरीर पर ससुराल पक्ष के चार लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। नाम के एक व्यक्ति है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है। उनकी तहरीर प्राप्त हुई है, तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पीएम की कार्रवाई अमल में लाया जा रही है। जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। ये मूल रूप से लड़की जो रहने वाली है तिलियापुर की रहने वाली है, इसके पिताजी रुद्रपुर के रहने वाले हैं।